हिंदू धर्म में भगवान की पूजा के साथ में उनको भोग लगाने का विशेष विधान है, लेकिन आप जानते हैं कुछ बर्तन इसमें वर्जित बताए गए हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं किन बर्तनों में भगवान को भोग लगाना चाहिए। घर में हर मंदिर में जो भी सनातन से जुड़ा हुआ है वो भगवान की प्रतिमा अपने घर पर रखता है और पूजन करता है, और पूजन में अनेक प्रकार से अपन हर तरह का कार्य करते हैं, उसमें से विशेष अपन भगवान को भोग लगाते हैं। जो भगवान को भोग लगाने वाली वस्तु होती है उसका भी बड़ा ध्यान रखा जाता है कि किस पात्र में अपन भगवान को भोग लगा रहे हैं। यहाँ पर भगवान का भोग लगाने के लिए मुख्य पात्र कहे गए, मुख्य धातु कही गई हैं। मुख्य तो भगवान को भोग लगाने के लिए स्वर्ण पात्र हो या रजत पात्र हो, चांदी सोने का पात्र हो, तांबा या पीतल का पात्र हो तो वह उचित होता है, और पात्र ऐसा होना चाहिए जिसे अपन ने अपने द्वारा उपयोग न किया गया हो, ऐसा पात्र में भगवान को भोग लगाया जाए। और भगवान को भोग लगाने के लिए कभी भी प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या स्टील, जर्मन या स्टील का पात्र का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, तथा इसी प्रकार अगर यह न हो तो मिट्टी के पात्र में भी अपन भगवान को भोग लगा सकते हैं। उसके पश्चात कुछ पल्लव कहे गए हैं, कुछ पत्ते कहे गए, उन पर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। जिस प्रकार पान का पत्ता हुआ, पलाश का पत्ता हुआ, केले का पत्ता हुआ, अनेक पत्रों पर भी भगवान को भोग लगाया जाता है, और भगवान को भोग लगाने के पश्चात उस भोग को कुछ समय के लिए भगवान के समीप छोड़ देना चाहिए, तथा अगर पट हो, पर्दा हो तो पर्दा लगा देना चाहिए, और भगवान को रोकने के लिए उस भोग को भगवान को निवेदन करना चाहिए, और उसके पश्चात उस भोग को लेकर के स्वयं ग्रहण करें तथा सभी में उस प्रसाद को वितरण करना चाहिए। इस प्रकार भगवान उस भोग को स्वीकार करते हैं, अन्यथा अपवित्र पात्र, वो अस्पर्शी पात्र में भगवान को भोग लगाने पर अनेक दोषों की प्राप्ति होती है। इसलिए दोषों से बचने के लिए इन पात्रों का ध्यान रखें तथा भगवान को ऐसे पात्र में भोग न लगावे जिससे हमें परेशानी हो, हमारे नुकसान हो तथा हमारा अनिष्ट हो, तथा भगवान भी उस भोग को ग्रहण न करें। इस प्रकार के पात्रों का विशेष ध्यान रख करके ही भगवान को भोग लगावे, उसके पश्चात सभी में प्रसाद वितरण करे, और स्वयं भी भगवान का प्रसाद लेना चाहिए। उससे भगवान भोग को स्वीकार करते हैं और धन संपत्ति आदि सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाले होते हैं, तथा जब भी अपना भोग वह स्वीकार करते हैं, अन्यथा अपात्र में लगाया गया भोग भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं।